हे दोस्तों, यो हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एक और नई सरकारी नौकरी के साथ। मैं शिवराज चौधरी आप सभी का आपके अपने चैनल यो हेल्प चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेखपाल भर्ती 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिनों से इस भर्ती का इंतजार हो रहा था, तो सारी जानकारी इस लेखपाल भर्ती की इस वीडियो में हम देखेंगे। बने रहेगा वीडियो में एकदम अंत तक, ताकि भर्ती की कोई भी जरूरी जानकारी ना छूटे। बड़ी बात इस भर्ती की है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, देश भर से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा है देश भर से करें आवेदन, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से इसका जारी कर दिया गया है। एज यहां पर दी गई 18 से 40 साल, 18 से 40 साल के महिला और पुरुष दोनों इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, देश भर से सब लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। एससी एसटी और जो विकलांग कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री रहेगा। उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कहूंगा कि जिनको हमारे चैनल पर भरोसा नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो वीडियो को ना देखें। जिनको हमारे चैनल पर और हम पर भरोसा है, वही इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। फालतू की ऑडियंस हम नहीं चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लेखपाल भर्ती 2019 है, इसमें दो अलग अलग नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। पहला जूनियर असिस्टेंट का है, उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का। दोनों नोटिफिकेशन जो है हम इस वीडियो में यहाँ पर देख लेते हैं। चलते हम नोटिफिकेशन पर। पहला नोटिफिकेशन जो लेखपाल की भर्ती का है, वो हम यहाँ पर चल के देख लेते हैं। कंपनी का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कंपनी है। इसमें जो है अकाउंट असिस्टेंट्स की पोस्ट है, वर्कर 3 लेवल के अंतर्गत ये पोस्ट है। आप सबको पता होगा कि ये सेंट्रल के अंतर्गत कंपनी है, इसलिए ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ की हम जो है वो देख लेते हैं। पोस्ट की बात करें, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए 9,000 से 16,400 वाला पे स्केल यहाँ पर लगेगा। अलग अलग यूनिट्स में यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, बठिंडा, पानीपत, वजीर, कॉरपोरेट ऑफिस नोएडा, मार्केट। इन सब में आप देख सकते हैं कि टोटल यहां पर कितनी सीट्स यहां पर दी गई हैं। टोटल ये आप काउंट कर लीजिएगा, जनरल की कितनी, एससी की कितनी, एसटी, ओबीसी सबकी, फिजिकली हैंडीकैप्ड सबकी कितनी सीट है, यहां पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। मैं यहां पर आपको पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दो अलग अलग नोटिफिकेशन है, इसलिए दोनों को एक्सप्लेन करने में समय लगेगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आप एज देख सकते हैं, 18 से 30 साल एक्चुअली यहाँ पर दी गई है। बाकी जो सेकंड पोस्ट है, उसके लिए 18 से 40 साल एज लिमिट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें बीकॉम होना चाहिए 50% नंबर्स के साथ, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% के साथ, एससी एसटी के पास जो है वो होना चाहिए, बीकॉम की डिग्री आपके पास होना चाहिए अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन फ़ीस बता देता हूँ, आपको 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। जितने भी जनरल और ओबीसी उनको 200 रुपये का, बाकी एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप उन सब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री रहेगा। एससी एसटी ओबीसी बाकी जितने भी जनरल कैंडिडेट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट, इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर और सारी चीज़ें देखते हैं। 31 जनवरी 2019 से फॉर्म भरने के स्टार्ट हो जाएंगे, 28 फरवरी फॉर्म को भरने की जो है लास्ट डेट है। ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट इज अलाउड। एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अगर अब एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना है। 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो यहाँ यहाँ पर रहेगा, जम्मू कश्मीर, बठिंडा, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली एंड NCR, पानीपत, लखनऊ, हैदराबाद, पटना और ग्वालियर, यहाँ पर जो है आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। और स्क्रॉल हम यहाँ पर करते हैं, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कम से कम आपका 50% अगर आप नंबर ले आते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अगर आप 75 नंबर ले आते हैं तो ही आपका सिलेक्शन के लिए, आपके जो है मेरिट लिस्ट के लिए आपका नाम कंसीडर किया जाएगा। और नीचे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके बता देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें। हाँ, 31 दिसंबर 2018 तक आपके पास जो है डिग्री होना चाहिए। फॉर्म भरने 31 जनवरी 2019 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 28 फरवरी 2019 है। ये पहला नोटिफिकेशन था लेखपाल भर्ती के लिए। दूसरा नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है, तो वो नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर चल के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर दिया गया है, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये भी सेंट्रल के अंतर्गत जॉइंट वेंचर है एक्चुअली, RFCL का, NFL का और जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन 3 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। ये भी सेंट्रल के अंतर्गत ही कंपनी है, तो इस
पोस्ट के लिए भी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड टू के अंतर्गत ये पोस्ट है, 9,000 से 16,400 वाला पे स्केल लगेगा। टोटल 53 यहाँ पर सीट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल एससी एसटी ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन सबकी सीट यहाँ पर दी गई। आप यहाँ पर आराम से सबकी सीट यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन अगर आप पूरा नोटिफिकेशन आप चाह रहे हैं इसलिए मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देगा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर रहेगी जिसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपके पास जो है वो डिग्री होना चाहिए या फिर 3 साल का इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। एज यहाँ पर आपको दी गई है, ये यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 30 वर्ष यहाँ पर जो है एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिनके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का वही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही साथ जिनके पास डिग्री है वो भी भर सकते हैं। लेकिन डिग्री में जो आपकी ब्रांच होना चाहिए वो होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री है या फिर डिप्लोमा है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। बीएससी अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स में बीएससी है तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं क्लियरली बता दूँ कि जो केमिकल के बाहर अलग ब्रांचेस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ केमिकल वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो डिग्री है 31 दिसंबर 2018 से पहले तक आपके पास जो है आपकी डिग्री होना चाहिए। एससी एसटी और जो रिजर्वेशन का जो रूल लगे वो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल यहाँ पर जो है वो लगेगा। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की यहाँ पर जो है वो छूट दी गई है। फिजिकली हैंडीकैप्ड को यहाँ पर जनरल के अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का छूट यहाँ पर दिया जाएगा, 15 साल एससी एसटी को और ओबीसी को 13 साल छूट दिया जाएगा जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट यहाँ पर है। नोटिफिकेशन को नीचे लाते हैं, यहाँ पर भी आपको 200 रुपये का एप्लीकेशन फीस लगना है जनरल और ओबीसी को। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री रहेगा। इसके फॉर्म भरने 15 फरवरी 2019 से फॉर्म भरने इसके जो है स्टार्ट होंगे। सेकेंड वाली पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। इस पर भी जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के माध्यम से इस पर सिलेक्शन होगा। 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसका जो एग्जाम सेंटर है द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट एनी वन ऑफ द सेंटर। आपका एग्जाम सेंटर जो होगा वो जम्मू कश्मीर भोपाल दिल्ली एनसीआर लखनऊ हैदराबाद पटना भुवनेश्वर कोची पुणे अमरावती रामगुंडम चेन्नई बेंगलुरु कोलकाता करीमनगर पेड़ापल्ली और मांचेरियल यहाँ पर जो है आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। 150 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें आपको सेलेक्ट होने के लिए कम से कम 75 नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सिलेक्शन बता दिया कि कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है। वुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन जनरल एंड ये यहाँ पर बताया गया कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जनरल के साथ साथ रोटेटिंग शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में जो है आपको काम करना पड़ेगा। कहीं पर भी ऑल इंडिया आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नोटिफिकेशन के और नीचे हम आ जाते हैं कि क्या जरूरी चीज़ें हैं। आपकी जो डिग्री है 31 दिसंबर 2018 के पहले तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। 15 फरवरी 2019 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 14 मार्च 2019। इस तरह से इस भर्ती की सारी जानकारी हमने देख ली। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट पर जाकर के आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे एक और नई सरकारी भर्ती के साथ। थैंक यू सो मच।